हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ग्रोथ ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देयर ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी हैव एन रेज टू द पावर लॉग एन एज वन ऑफ द फंक्शन एंड एन इनटू लॉग एन एज द अनदर फंक्शन। ऐसा दिख रहा है कि एन के पावर में कोई चीज वैल्यू है, कोई वैल्यू है तो वही बड़ी होनी चाहिए, और एन में कोई मल्टीप्लाइड वैल्यू है तो वो छोटी होगी। ऑब्वियस भी है बट, लेकिन ठीक है, चलिए मैं एक बार और स्टेप करके इसको देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा फंक्शन है, कौन सा छोटा। तो इसको आप एक काम कीजिए कि दोनों जगह लॉग ले लीजिए बेस टू का। तो हमने लेफ्ट क्वांटिटी राइट, मैंने दोनों फंक्शंस में लॉग ले लिया। सो दिस बिकम्स लॉग एन रेज टू द पावर लॉग एन, एंड दिस हैज बिकम लॉग एन लॉग एन। जो हमने ऐसा लिया है तो ये पावर वैल्यू इधर आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन में। सो दिस बिकम्स लॉग एन मल्टीप्लाइड विथ लॉग एन, और ये वाली जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है एन और लॉग एन के बीच में, तो आपको पता है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगी वैल्यूज। अब एन की एक लार्ज वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। लेट्स से एन की वैल्यू हमने अज्यूम किया है एन वन एन इज इक्वल टू 2^(1024)। जब आप लॉग एन कंप्यूट करेंगे सो लॉग 2^(1024) की वैल्यू आएगी 1024। ये पता है आपको कि ये कैसे हमने निकाला 1024, इसको हमने इधर लेफ्ट में लेके आए लॉग 2^(2), और इसकी वैल्यू होती है 1। सो हमने लॉग एन की वैल्यू निकाल ली है 1024, और इसमें 1024 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। दूसरा जो फंक्शन है उसमें अगर हम लॉग एन कैलकुलेट करेंगे तो 1024 होगा, और देन लॉग लॉग एन हम जब कंप्यूट करेंगे सो लॉग एंड देन 1024, क्योंकि आपको पता है कि लॉग एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। सो लॉग 1024 की वैल्यू 10 होगी। कैसे 10 होगी? लॉग 1024 को हम लिख सकते हैं 2^(10)। इस 10 की वैल्यू को इधर ले आइए, दिस इज लॉग 2^(2), 10 × 1। इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी की वैल्यू 10 हो गई। तो अगर आप कैलकुलेशन को देखें तो दिस इज 1034 एंड दिस इज 1024 मल्टीप्लाइड विथ 1024। सो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी मेरी बड़ी दिख रही है और ये क्वांटिटी मेरी छोटी दिख रही है। सो हम कह सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा है इसकी ग्रोथ से, या अगर आप लिखना चाहें इसको तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एन लॉग एन की जो ग्रोथ है दैट इज स्लोअर देन द ग्रोथ ऑफ एन रेज टू द पावर लॉग एन। एक और फंक्शन देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अंडर रूट लॉग एन एक वैल्यू गिवन है, एंड जो दूसरी वैल्यू आपको गिवन है वो गिवन है लॉग ऑफ लॉग एन। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, तो इसलिए आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले अंडर रूट लॉग एन को लिख लीजिए लॉग एन रेज टू द पावर 1/2, और ये हमारी क्वांटिटी लॉग लॉग एन ही है। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, मतलब दोनों फंक्शंस के लिए लॉग ले लीजिए। सो लॉग ऑफ एन रेज टू द पावर 1/2, एंड यहाँ आप कह रहे हैं लॉग ऑफ लॉग एन। देन ये जो 1/2 है इसको हम इधर ले सकते हैं। सो दिस इज 1/2 लॉग लॉग एन। और अब आपको अगर वैल्यूज को कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि एन की जो वैल्यू है वो 2^(1024) है, ये लार्ज वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। एंड देन यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे सो 1/2 लॉग ऑफ लॉग एन की वैल्यू, लॉग 2^(1024) की वैल्यू आएगी 1024, और इस 1024 को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इसकी अगेन लॉग वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल कम आउट टू 10। आपको पता है अभी भी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको निकाला था कि लॉग 1024 की वैल्यू आएगी लॉग 2^(10)। इस 10 को इधर ले आइए, 10 × 1, इसका मतलब आंसर इज 10। सो हमने 10 वैल्यू ले लिया, और इससे कैलकुलेशन से ये वैल्यू आ रही है 5। राइट हैंड साइड की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें सो हमको पता है कि लॉग एन की वैल्यू हमने जस्ट निकाली है 1024 है, एंड देन दो लॉग और लगे हिस्से। लॉग 1024 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, इसकी वैल्यू 10 आती है। सो दिस इज, एंड देन लॉग 10 की जो वैल्यू है उसको हम कैसे निकालें, या तो हम ये मान लें कि हमने बेस 2 में कैलकुलेशन किया है या बेस 1 में। अगर आप 10 देखेंगे तो 10 विल बी 2^3 point something। सो 3 point something something में वैल्यू आएगी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 3 point something है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 5 है। तो ये जो अंडर रूट लॉग है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा है देन द लॉग ऑफ लॉग ऑफ एन। इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं। तो हमेशा ये अज्यूम कीजिए कि हम एन की बहुत बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं, उसके बेसिस पे
इन फंक्शंस में वैल्यूज डाल के देख लीजिए, और जो भी ज्यादा वैल्यू दे हम उसको फास्टर ग्रोथ फंक्शन मान लेंगे और दूसरे को स्लोअर ग्रोथ फंक्शन मान लेंगे। एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो फंक्शन है वो है एन अंडर रूट एन, एन रेस्ट टू द पावर अंडर रूट एन, और दूसरा एक फंक्शन है एन रेस्ट टू द पावर लॉग एन। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वंस अगेन हम वही चीज मानेंगे कि हमारे पास एन का एक बहुत ही बड़ा पावर है, लेट्स से एन इज इक्वल्स टू 2^(1024)। वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज एन रेस्ट टू द पावर अंडर रूट एन, इसमें हम 2^(1024) ये वैल्यू रखते हैं। एंड देन उसके बाद अंडर रूट एन की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने से पहले हम एक काम करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग से भी हम लोगों ने देखा था कि काफी फायदा हमारा हो रहा था, कि हमारी आसानी से वैल्यूज कैलकुलेट हो जा रही थी, और पावर वाली वैल्यूज को जो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे तो इजिली हम डिफ्रेंशिएट हम कर पाए उन वैल्यूज के कारण। सो हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ, एन रेस्ट टू द पावर अंडर रूट एन यहाँ पे, एंड लॉग ऑफ एन रेस्ट टू द पावर लॉग एन। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हम थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड करें, सो दिस इज अंडर रूट एन मल्टीप्लाइड विथ लॉग एन, एंड दिस इस लॉग एन को आप इधर लेके आइए, सो लॉग एन मल्टीप्लाइड विथ लॉग एन। सो अंडर रूट एन क्या होगा इस केस में, अगर हम 2^(1024) को डिवाइड कर दे दो पार्ट में, सो हम ऐसे लिख सकते हैं 2^(512) अंडर एन 2^(512), और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2^(512। सो 2^(512 एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड विथ लॉग एन। सो 2^(1024) का जब आप लॉग कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू 1024। 1024 को आप लिख सकते हैं 2^10, एंड आप दोनों पावर्स को ऐड कर दीजिए, 512 + 10, इसका मतलब 2^522 यहाँ हो गया। राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज इनको आप कैलकुलेट कीजिए, दिस इज लॉग एन मल्टीप्लाइड विथ लॉग एन, मतलब कि 2^(1024) मल्टीप्लाइड विथ 1024, इसका मतलब है 2^10 मल्टीप्लाइड विथ 2^10 है, इसकी वैल्यू 2^20 हो गई। सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ दीज टू फंक्शंस, हेंस यू कैन से दैट द एन रेस्ट टू द पावर लॉग एन ग्रोज स्लोअर देन एन रेस्ट टू द पावर अंडर रूट एन। सो हियर विद दीज फंक्शंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हाउ टू अरेंज द गिवन फंक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रोथ। If you have more question, you can write in the comment box. I will try to solve them and send the solution to you. Thank you so much. I hope these videos will help you in your university examination, your sessional test examinations, and the GATE examination as well. Thanks for watching.